नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। जगदीशपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कमिश्नर, जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आज जगदीशपुर के लोकनाथ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में अधिकारियों द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन भागलपुर कमिश्नर संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी आनंद कुमार, उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड प्रमुख ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में जिला के तमाम विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जनों को दिया, साथ ही लोगों से समस्याओं को भी सुना और उनका निराकरण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर आयुक्त ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि जन संवाद के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए गए जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए और उनके योजनाओं के का लाभ उन्हें कैसे मिले वो भी बताया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जन संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर सभी अधिकारियों को आम लोगों के बीच पहुँचना एवं आम लोगों को सुझाव देना और लेना तथा लोगों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा इसकी जानकारी प्राप्त कर संबंधित विभाग के लोगों से समस्याओं का निदान दिलाते हुए उन्हें लाभान्वित कराना। इस अवसर पर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा पुलिस विभाग में इमरजेंसी सेवा 112 चलाया गया है, जो तत्काल शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन अब इसका दूसरा फेज भी आरम्भ हो रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सेवा 24 घंटे रहेगी। 112 से अपराध नियंत्रण एवं दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति घायल होने पर उन्हें तुरंत सेवा मिलेगी, जिससे लोगों की जान बचाई जाए। इसके अलावा साइबर थाना भी खोला गया है, जिससे लोगों को ठगी से बचाया जा रहा है। वहीं जनसंवाद में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और अधिकारियों ने समाधान का भरोसा दिलाया। जीवन प्रमाणीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे हर वर्ष साल में कम से कम एक बार आपको करवाना होता है। आप किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना जीवन प्रमाणीकरण का नया करवाना। जीवन प्रमाणीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे हर वर्ष साल में कम से कम एक बार आपको करवाना होता है। आप किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक जनसंवाद कार्यक्रम है और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उसके बारे में पता चल सके। आप लोग में से कई लोग हो सकता है जिनका जो है जीविका से जुड़ी हुई कम से कम 30-30 युवा के पास जाना है और बोलना है कि मोबाइल पे कोई लिंक आ जाए। सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। अब व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिंक भेज देता है तो आप हो सकता है कि गाना हो तो आप उस पर क्या करते हैं किसी अननोन नंबर जिसको आप जिस नंबर को आपके मोबाइल में परिचित नंबर नहीं है उस पर आप दबा देते हैं, अंगूठा क्लिक कर देते हैं तो वो जो पैसा है वो आपका कटने की संभावना है। आपका जो अंदर का इंफॉर्मेशन है बैंक